तो दोस्तों, आज जून की 21 तारीख है और आज हम 10 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जानेंगे जिनको हम कटिंग से इस माह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस लिस्ट का पहला प्लांट या विंटर में फ्लावरिंग करने वाला गुलदाउदी का है। ये देखिए, इसकी कटिंग ये मैंने लगाई थी जो अब चल पड़ी है। इसकी आप छोटी छोटी कटिंग किसी भी ब्रांच से कट करके सॉयल में लगा दें। किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं तो कई सारी कटिंग लगाएं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत अधिक है तो कुछ कटिंग आपकी चलेगी और कुछ आपकी ड्राई हो जाएगी। और जो भी कटिंग इस समय लगाएं उनको आप शेड में रखें। लिस्ट का दूसरा प्लांट गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला यह प्लांट बोगनविलिया का है। बोगनविलिया कई रंगों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और सबसे अच्छी बात है कि इस प्लांट की आप गर्मी भर फ्लावरिंग आसानी से ले सकते हैं। मैंने अपने इस बोगनविलिया पर यह तीसरी बार फ्लावरिंग लिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बोगनविलिया में फ्लावरिंग के लिए क्या करें, आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। बोगनविलिया को भी आप कटिंग से इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप पेंसिल के शेप की लें। बोगनविलिया की कटिंग ग्रो होने में समय लेती है, इसीलिए आप जल्दबाजी करके रूट ना चेक करें। कटिंग लगाने के बाद इसको शेड में रखें और जब इस पर कुछ लीफ आना शुरू हो जाएं, तब आप इन्हें सनलाइट में शिफ्ट करें। इस गर्मी में लगा हुआ कटिंग से यह प्लांट बोगनविलिया का अब अपनी ग्रोथ तेज़ी से करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप बोगनविलिया की कटिंग इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा प्लांट या एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट यूफार्बिया मिली का है। यूफार्बिया मिली को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। यूफार्बिया मिली की भी कटिंग आप आसानी से इस समय ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी कटिंग लगाते समय ध्यान दें कि इसमें कांटे होते हैं, इसीलिए इसकी कटिंग लगाते समय बहुत सावधानी से इसकी कटिंग लगाएं। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। जिस भी ब्रांच को आप कट करेंगे तो कटिंग पोर्शन से वाइट कलर का दूध निकलेगा, तो इस कटिंग को आप कट करने के तुरंत बाद ना लगाएं। इसकी कटिंग को आप 2 दिन के लिए शेड में रख दें और उसके बाद आप इसे सॉयल में लगा दें। ये मैंने कटिंग से इसे ग्रो किया है और यह प्लांट अब नई नई लीफ देना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं आपको केवल प्लांट के नाम बता रहा हूँ और लगी हुई कटिंग दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप हर प्लांट की जानकारी कटिंग लगाने की ले सकते हैं। लिस्ट का चौथा प्लांट और बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट यह चंपा का है। चंपा एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ था जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया है। बेहद ही खूबसूरत इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है। इसे मैंने जिस प्लांट से कट किया है वह यह मदर प्लांट है, जिस पर आप देखिए ढेरों फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत इस पर फ्लावरिंग होती है। तो इसे आप ज़मीन पर लगा के इस तरह से एक बड़ा पेड़ के आकार का तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इसे पॉट में लगाकर छोटे साइज का तैयार करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस प्लांट की भी कटिंग इस समय आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी भी ब्रांच कट करने पर वाइट कलर का दूध निकलता है, तो इसकी भी कटिंग आप तुरंत ना लगाएं, 1-2 दिन के लिए शेड में रखें और उसके बाद इसकी कटिंग को आप लगा दें। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और यह एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। लिस्ट का पांचवा प्लांट या विंटर का है जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है, और यह प्लांट है कलंचू या कलंचू का। कलंचू पर कई रंगों के फ्लावर आते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और यह पूरी विंटर फ्लावरिंग करता रहता है। तो यह समय है
जब आप इसके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को रेनी सीजन में बहुत बचाना होता है, तो आपके प्लांट कई ड्राई भी हो सकते हैं। तो इसकी कटिंग आप अभी से ग्रो कर लें तो यह आसानी से आपके गार्डन में विंटर में बना रहेगा। कलंचू की इस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग प्लांट से ले लें और इसकी लीफ निकाल के ऊपर की एक दो लीफ छोड़ करके इस तरह से एलोवेरा लेकर के और इसके कटिंग पोर्शन को एलोवेरा में आप डिप कर लें और उसके बाद आप इस कटिंग को केवल सैंड में लगाएं, सैंड में सॉयल ना मिलाएं। और इस तरह से आप कलंचों की 4-5 कटिंग लगा करके इसे सैंड में रख दें, सनलाइट में ना रखें, नहीं तो आपकी कटिंग ख़राब हो जाएगी। कई कटिंग लगाने के बाद ये केवल मेरी 3 कटिंग ही सक्सेस हुई है। तो इस तरह से आप इस प्लांट की कटिंग इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट का 6वां और बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला प्लांट यहाँ मास रोज का है, जिसे 9 o'clock प्लांट या पर्सलाका भी कहते हैं। इसकी कई वैरायटी आती है, देसी और हाइब्रिड वैरायटी। तो इसकी कटिंग आप इस समय आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप छोटी से छोटी कटिंग ले करके नीचे की लीफ हटा करके सॉयल में दबा दें और बहुत ही कम समय में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है और बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाती है। लिस्ट का 7वां प्लांट यह एडिनियम का है। एडिनियम एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। सर्दी में यह प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, तो इस समय भी आप इसकी कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एडिनियम की ब्रांच को कट करने पर वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, इसीलिए इसकी ब्रांच को 1-2 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दें। जब नीचे का पोर्शन ड्राई हो जाए तब इसकी कटिंग को आप लगाएं। ये मैंने एडिनियम की एक कटिंग लगाई है और एडिनियम का यह कॉर्डेक्स पोर्शन था जहाँ पर रूट रॉट हो गया था, इसीलिए मैंने इसको कट करके सैंड में लगाया है और इसमें नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप एडिनियम की कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग सील लगने वाली लिस्ट का 8वां प्लांट यह कनेर का है। कनेर के प्लांट में कई वैरायटी आती है और इसके बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। इसके प्लांट के फ्लावर सिंगल पेटल और डबल पेटल में भी आते हैं। यह एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिस पर फ्लावरिंग बंच में होती है। कनेर में हमेशा फ्लावरिंग भी होती रहती है। कनेर की कटिंग भी आप इस गर्मी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी भी कोई भी ब्रांच की कटिंग आप पेंसिल के शेप की ले लें, लेकिन जो भी ब्रांच की कटिंग लें वह ओल्ड ब्रांच रहे। तो इस तरह से इसकी कटिंग लगाने पर इसमें कुछ ही दिन में नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लिस्ट का 9वां प्लांट या हरसंगार का है, जिसे हम परिजात भी कहते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसके फ्लावर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। पारिजात एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी ग्रोथ फरवरी से सितंबर तक बहुत अच्छी होती है, तो इसे आप इस समय कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट कटिंग से ही ग्रो किया गया है और इस कटिंग से 2 ब्रांचें नई नई निकली हैं। वैसे इस प्लांट को ग्रो करने का बेस्ट समय तो फरवरी है, लेकिन आप इसे इस समय भी ग्रो कर सकते हैं, जिससे रेनी सीजन में यह आसानी से अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। कटिंग से ग्रो करने वाली लिस्ट का 10वां और अंतिम प्लांट यह सदाबहार का है, जिसे हम बिंका रोजिया भी कहते हैं। सदाबहार कई रंगों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। सदाबहार सीड और कटिंग दोनों से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।